सबसे ज़्यादा अगर अभी के समय में परेशान हैं तो वैसे लोग जो दो वक्त का रोटी भी जिनको नसीब नहीं होता। जब कोई मजदूर बाहर से आए हुए हैं जो या मजदूर यहाँ करते थे, जो ऑटो चलाते थे, उनको काम छीन गया है। अब हम लोग की जीत तभी होगी जब जीरो आ जाए, यहाँ पे हम लोग ग्रीन जोन में आ जाएं। हमारे पास किसी तरह का कुछ साधन नहीं है, आय का साधन भी नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। तो इसी भुखमरी की स्थिति को बचाने के लिए हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिवान की तरफ से हम लोग एक छोटा सा प्रयास है। इस कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरे विश्व को तबाह किया है। सबसे ज़्यादा अगर अभी के समय में परेशान हैं तो वैसे लोग जो दो वक्त का रोटी भी जिनको नसीब नहीं होता है, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वैसे में समाज के कई समाज सेवी भी इसको लेकर कदम आगे बढ़ाए हुए हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देखें कि जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो इस तरह के प्लास्टिक के जो तिरपाल हैं उससे बने घरों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कई सारे ऐसे परिवार हैं जो इस झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो कहीं बाहर से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, जो छोटे अमाउंट से कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ रोजी रोटी करते हैं, कोई स्टिकर बेचता है, कोई टेम्पू चलाता है, कोई कई तरह के लोग बिजनेस करते हैं। वैसे लोग हैं यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कई लोगों को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो किसी को कपड़े नसीब नहीं होते। वैसे में लगातार सेवा करने के लिए भी कई तरह के लोग आ रहे हैं। ऐसे में सिवान के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके साथ सिवान के और भी जो जज हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई दिनों से, ऐसा नहीं है कि एक दिन, कई दिनों से लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में आया जा रहा है और लगातार इनको राशन पहुँचाया जा रहा है ताकि इनको एक वक्त का भी राशन कम से कम मिले जिससे कि अपना पेट भर सके। वैसे में इन लोगों को हमेशा ध्यान रखा जा रहा है। और साफ तौर पर एक बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि जो यहाँ के लोग हैं उनके हाथों को पहले सैनिटाइज किया गया ताकि सफाई का भी ध्यान रखा जाए, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हुए लगातार यहाँ पे लोगों का सेवा किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो सिवान के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार वो इस तरह के काम कर रहे हैं। सर, आप लगातार इस क्षेत्र में आए हैं, कई गरीब लोग हैं, किस तरह? हाँ, हम लोग ने शुरुआत यहीं खुरमाबाद से ही किया था। अब लॉकडाउन पहले फेज में 24 मार्च से शुरू किया गया, फिर 14 अप्रैल के बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो अब 3 मई तक किया गया। इसी बीच सिवान में केसेस मल्टीप्लाई कर गए, बट फॉर्चुनेट है हम लोग कि 29 में से 21 का निगेटिव आ चुका है। अब 8 अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन कोई फर्दर उसमें इंक्रीज ना हो इसके लिए सभी सिवान वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के रूल्स पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलना है, अनायास सड़क पे नहीं घूमना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा हम कर तो रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं साथ साथ दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी समय की यही मांग है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिवान और उससे जुड़े हुए पूरी टीम सारे सिवान में स्क्रूटनाइज करके गरीबों को आइडेंटिफाई कर रही है और लगातार सूखे अनाज प्रतिदिन बांटा जाता है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, साबुन है, और उनको अवेयर किया जा रहा है कि कैसे हम इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकें। कई दिनों से सिवान जिला के विभिन्न क्षेत्र में जाकर देख रहे हैं, क्या लगता है कि सिवान में उस तरह की भुखमरी लोगों पे आ गई है? हाँ, ये सच है कि अब हम लोग जब कोई मजदूर बाहर से आए हुए हैं जो या मजदूर यहाँ करते थे, जो ऑटो चलाते थे, उनको काम छीन गया है अभी तत्काल, तो कुछ पैसे का सोर्स तो उनके पास है नहीं। ऐसे में तो प्रशासन का भी और सभी सक्षम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको आइडेंटिफाई करके ज़रूर उनकी मदद करें। कर्मचारी जो हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार और PLVs, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, PLVs को, जो सिवान के डिफरेंट एरियाज़ में जाकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, प्रचार किया है, हैंडबिल्स बांटे हैं, माइक से वो अनाउंसिंग किया है किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और किस तरह से अपने आप को बचाएं और कोरोना वायरस है क्या,
उसको कैसे हम लोग बचा जाए, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है घर में रहना। लेकिन घर में रहें और उनके पास खाने को ना रहे, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार। किस तरह के लोगों को मदद करेंगे? ये जब तक चलेगा तब तक करेंगे हम लोग। और अब हम लोग की जीत तभी होगी जब ज़ीरो आ जाए यहाँ पे, हम लोग ग्रीन जोन में आ जाएं। अभी हम लोग रेड जोन में हैं, सिवान रेड जोन में हैं। सिवान के वासियों को मेरी अपील है कि हम लोग पूरी कोशिश करें हम लोग संक्रमित होने से बचें। बिल्कुल, आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं ये तो अपने तरफ से लगातार लोगों की मदद कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का भी एक फ़र्ज़ है कि जो सरकार के आदेश है, जो प्रशासन लगातार मेहनत कर रही है, उसको भी सहयोग करें और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे कि जो इसके पूरी टीम के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें किस तरह से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ मदद कर रहे हैं लोगों को। चावल है, आटा है, आलू है, हल्दी है, नमक है, साबुन है, मास्क है। किस तरह से इन लोगों का भूख मिटा पाएंगे? कोशिश किया जा रहा है कि भूख मिटाने के लिए प्रयास कर रहा है विधिक सेवा प्राधिकार सिवान, जो है पूरा कोशिश कर रहा है कि लोगों को अधिक से अधिक राशन सप्लाई किया जाए जिससे लोग कुछ खा लें। इसमें सबका काम बंद है। सचिव होने के नाते, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव होने के नाते, मैं अपने PLPs को धन्यवाद देता हूँ। वो पूरे शहर में, सिवान जिला में जितने प्रखंड हैं, पंचायत है, वार्ड है, सभी जगह ये लोग घूम घूम के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और स्पेशली वैसे लोग जो फंसे हुए हैं जिनके पास खाने को नहीं है, उनका काम बंद हो गया है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ रोलेक्स वाले और प्रिंटिंग वाले काम करने वाले और ऑटो मोबाइल वाले काम करने वाले सब फंसे हुए हैं। नहीं नहीं, ये सब बाहर के लोग हैं, ये सुल्तानपुर जगह के लोग हैं, लेकिन यहाँ आके काम कुछ मिल नहीं रहा है। 10-20-25 लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है जब फंसे हुए हैं, और इनके पास किसी तरह का कुछ साधन नहीं है, आय का साधन भी नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। तो इसी भुखमरी की स्थिति को बचाने के लिए हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिवान की तरफ से हम लोग एक छोटा सा प्रयास है, और ये प्रयास हम लोग लगातार करेंगे जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म ना हो। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ के जो टीम के मेंबर, क्योंकि वो लोग लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एक मैसेज भी जाना जरूरी होता है कि जो लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि लोग ये तो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोगों का भी फर्ज है कि वो खुद घर पे रहें, क्योंकि ये लगातार आप क्षेत्र में निकल कर आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने घर पर रह कर सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? हम लोग अपने PLPs के द्वारा आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं, लेबर लोग हैं, जिनका काम इस समय लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है, उनको आइडेंटिफाई कर करके और उनके पास जा करके हम लोग जो पैकेट बना हुआ है, चावल, आटा, नमक, साबुन, इसेंशियल्स जो हैं, उसका पैकेट बना के ले आके उनको हम लोग दे रहे हैं। किस तरह से लोगों का सहयोग कर रहे हैं? ये देखिए, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जब से ये कोरोना संक्रमण को लेकर एक अभियान चला है, उस समय से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जिनको भोजन की समस्या है, जो छोटे मोटे काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अभी वो काम करने में सक्षम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक तो जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को ये बताया जाए कि भाई आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, तो पहले तो ये बताना, फिर दूसरी बात उनको ये कहना कि नहीं, आप घर में रहें और घर में रह के सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वहाँ भी करें, और किसी तरह से जब तक ये बीमारी का प्रकोप है तब तक आप अपना खुद का बचाव करें। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से एक पहल की गई, और वो पहल ये हुआ कि सिवान न्याय मंडल की ओर से सभी लोगों ने अपने सामूहिक अंशदान से एक अमाउंट इकट्ठा किया और एक अमाउंट खड़ा करके, और उससे जो है वो कच्चे अन्न की खरीद की गई, और उसके बाद उसको जो है पैकेट करके और वैसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनके पास खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है उनको दिया जा रहा है, उनको सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि भाई आप इस बीमारी से बचाव के लिए खुद के से आगे आएँ और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब देखा जाता है आमतौर पे कि जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, फैसला सुनाने और लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और अभी का समय देखा जाए तो लगातार गरीबों के पास जाकर आप उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह से देखा जाए? ये एक ऐतिहासिक पहल है, और हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर जी के नेतृत्व में और लोक विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में ये लगातार जब से लॉकडाउन है तब से चल रहा है, और हमारा एजेंसी है, हमारे PLPs हैं,
जैसे राजू राम हुए बहुत एक्टिव हैं, विजय बाबू हैं बहुत एक्टिव हैं, ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं पूरे ज़िले में और उसी हिसाब से हम लोग घूम घूम के जो ज़रूरतमंद हैं जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बहुत राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, कुछ गुजरात के लेबर यहाँ आए थे वो फंसे हुए हैं, आइडेंटिफाई करके हम लोग उन लोगों को उनके घर तक भोजन और सारी सैनिटरी का जो भी सामान सब है वो उनको उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, आप गणेश राम अधिवक्ता के साथ साथ आप समाज सेवी भी हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से लोग भूख से तड़प रहे हैं, क्या उनकी जरूरत को पूरा भी किया जा रहा है? देखिए, आज हम सबसे पहले तो आज बहुत ही हमारा देश विकट परिस्थिति से जूझ रहा है और देश के साथ साथ पूरा विश्व आज विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। इस विकट परिस्थिति में हम लोग अपने सूझबूझ का ये करते हैं, परिचय दे रहे हैं कि जहाँ तहाँ जा करके लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता पैदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ऐसी महामारी जो है, ये जागरूकता से अपने घर में सिमट के रहें और अपने अंदर जागरूक रहें और साफ सुथरा रहें, इसी से इसका समाधान हो सकता है। इसमें जोर शोर से काम चलाने की ज़रूरत है ताकि वो कोई गरीब भूखा न मर सके, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप इतने देर में आप जितने लोगों को सुने होंगे, साफ तौर पे कहना है कि किसी भी भूखे जो लोग हैं उनके भूखे नहीं सोने दिया जाएगा। लगातार जो समाज के समाजसेवी हैं वो आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको सोशल डिस्टेंस रखने की, आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री टेन किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन शिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टेन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582498। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर वन ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।